ये किताब सिस रैली की साइकोलॉजी की किताब है और ये जो है स्ट्रेस एंड हेल्थ के ऊपर चैप्टर है। तो स्ट्रेस और हेल्थ के ऊपर जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके ऊपर स्ट्रेस हो जाती है, तो जब स्ट्रेस हो जाती है जो है बच्चों के ऊपर तो उनका एग्ज़ाम अच्छे से नहीं होता। ऐसे ही जो है जो हमारे मंत्री लोग हैं है, या संतरी लोग हैं या कोई भी हैं, है जी, तो ये बड़े अच्छे से मैंने पढ़ा है और समझा है इसको कि जो हम जो है एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, हमारे को अगर स्ट्रेस होगी तो बहुत सारे चेंजेस आएंगे जो है हमारे मेटाबॉलिज्म में। अगर पौधे में किसी पौधे इसमें पौधे में अगर कोई स्ट्रेस आएगी तो पौधा भी जो है स्ट्रेस से मुरझा जाएगा। तो हम बात करते हैं कि पारिकर को क्या स्ट्रेस थी कि उसको कैंसर हुआ। तो पारिकर बेचारा अंडर स्ट्रेस रहा, है जी, और जेटली को जो है स्ट्रेस रही और वो बीमार हुआ। सुषमा को भी स्ट्रेस इतनी रही तो बीमार हुआ। हमारे वाजपेयी जी जो है इतने स्ट्रेस में थे कि उनको जो है 15 साल तक जो है बीमारियों से जूझना पड़ा और जो है मुश्किल हो गई। अब देखिए कि जो है और सारे के सारे जितने भी, अब स्ट्रेस होती कब है? स्ट्रेस होती है जब कन्फ्लिक्ट होते हैं। जब कन्फ्लिक्ट ज़्यादा होते हैं और हम कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं कर पाते तब स्ट्रेस ज़्यादा होती है। तो अगर हम झूठ बोलें और झूठ के साथ जो है फैक्ट को जो है बैलेंस करने की कोशिश करें तो हम कन्फ्लिक्ट में ही फंस जाएंगे। वो कन्फ्लिक्ट हम रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे और स्ट्रेस होगी हम बीमार पड़ेंगे, हमारे को तरह तरह की बीमारियाँ होगी। तो मेरे ख्याल से जो है मोदी के साथ जो भी काम करता है उसको स्ट्रेस होती है, उसको जो है मुश्किल में से गुजरना पड़ता है। क्यों? मोदी जो है वो फिक्शन में रहता है, हैं जी, किसी जो है फैंटासी में रहेगा, फैंटासी ठीक है, लेकिन उसमें रहता है और उसमें रहता है जो उसके साथ काम करेगा उसको जो है वो बेकार में जो है वो कन्फ्लिक्ट में डाल देगा। तो कन्फ्लिक्ट में डालने के बाद उसका दुश्मन भी बन जाएगा, है, फिर उससे दुश्मनी भी करेगा, है। तो ये इतना ही बहुत है अभी। थैंक यू वेरी मच।